सर्च करना चाह रहे हैं, डायरेक्टली अगर आप कोशिश करोगे, मान लीजिए 1000 बंदे कोशिश करते हैं, 5 बंदों को भी जॉब मिले तो अच्छी बात है ना। तो मेन चीज़ ये है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं कनाडा जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, सर्च करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज़ इसी तरीके के टॉपिक पे आपको सही जानकारी मोटिवेशनल वीडियो मिलता रहे। तो आज हम बात करेंगे साथियों बिना एजेंट के, एजेंट का भाई यहाँ पर कोई चक्कर नहीं रहेगा। यूरोप कंट्री से रिलेटेड जो भी जितने भी मैं आपको वीडियो शेयर करने की कोशिश करूँगा, वो सिर्फ और सिर्फ बिना एजेंट के डायरेक्ट बिना पैसे के जॉब रहेंगे, ताकि किसी का काम भी नहीं हो तो कम से कम नुकसान तो नहीं हो, पैसे तो खराब नहीं हो। ठीक है साथियों, तो अपन भाई यूरोप में तो कौन सा पैसा देने के बाद काम होता है, मुझे तो नहीं लगता। मेरे पास तो 2.5 साल में किसी ने कॉल नहीं किया कि सिर्फ यूरोप में किसी एजेंट ने मेरा काम करवा दिया, एक भी बंदे ने कॉल नहीं किया भाई। तो हम बात करेंगे साथियों, अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट वीजा की कोशिश कर रहे हैं, विजिट वीजा में जाना चाह रहे हैं, वर्क परमिट वीजा में जाना चाह रहे हैं, और वो भी बिना एजेंट के बिना फीस के डायरेक्ट आप जॉब अवेलेबल कर सकते हैं। इसके लिए साथियों मैं एक वेबसाइट ढूंढ के लेके आया हूँ, सर्चिंग मैंने करी है, स्क्रीनशॉट भी साथ में डाल दूंगा, उसमें पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, आप कोई भी वीजा अगर आप लेना चाह रहे हैं कनाडा से रिलेटेड, गवर्नमेंट अथोराइज गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये नहीं कि कोई फेक वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। प्लस उसका ऐप भी मिल जाएगा उस साइट में, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो मैं कुछ स्क्रीनशॉट में साथ में डाल दूंगा, उसको देख के आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको ये लिंक भी डाल दूंगा। लिंक की बात करें तो jobbankgcca@home, इसका मैंने लिंक भी साथ में अटैच कर दूंगा, ताकि इसको आप ओपन करोगे जैसे ही तो आपके सामने आपके मोबाइल में वेबसाइट ये खुल सके। तो भाई इसके लिए रिक्वेस्ट ये है कि यार कि ऐसे नहीं होगा कि तुरंत आपने खोला ये कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता भाई, आराम से सिस्टम को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बहुत टाइम लगता है इसमें। इसके लिए शुरुआत करने से पहले आपको करना क्या पड़ेगा, मेन मंत्र बता दूं, एक अच्छी सी गुडनेस वाली सीवी बनानी है। सीवी मान लीजिए या रिज्यूम मान लीजिए, रिज्यूम एक छोटा टाइप का होता है, सीवी बड़ी होती है, कम से कम ये नहीं कि एक पन्ने की भाई, 5-6 पन्ने की बड़ी सीवी होनी चाहिए, ताकि अगला पढ़े तो उसको टाइम लगे, सिस्टम को देखे कि आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है कि वो कंपनी आपको, कनाडा की कंपनी आपको जॉब ऑफर करे इंडिया में मेल के थ्रू। समझ गए बात को, तो इस बात का ध्यान रखिए, सीवी हमेशा द बेस्ट होनी चाहिए। कैसी, जैसे आप सुबह किसी शादी बारात फंक्शन में जाते हैं तो नहा धो के तैयार होते हैं रेडी, कि बस अपने अपन ही दिखने चाहिए एकदम बेस्ट हीरो हैंडसम टाइप के, वैसी सीवी होनी चाहिए। कि आपकी सीवी रोज भाई हजारों सीवी अपलोड होती हैं, ऐसा नहीं कि आपने पन्ने पे लिखा डाल दिया कोई नहीं पूछने वाला, बढ़िया सी सीवी आपको डाल बनानी है, उसमें आपका फोटो, इंग्लिश में सीवी रहेगी, साथ में फ्रेंच कनेडियन लैंग्वेज में भी आप साथ में अटैच कर लें, वो गूगल ट्रांसलेशन हो जाता है, वेरी इजी है, इंग्लिश में बना के उसको ट्रांसलेशन करके एक उसका पार्ट भी आप बना सकते हैं। दोनों में आप वो इंग्लिश में फ्रेंच में दोनों में सीवी बना लीजिए। ये जो वेबसाइट मैं बता रहा हूँ, मैं साथ में स्क्रीन पे भी लिख के सेंड कर दूंगा, ये इस वेबसाइट पे अगर आप अटैच करते हो, ठीक है, जैसे इसको ओपन करोगे, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा साथियों, जैसे इसको ओपन करोगे तो इसका एक जो एंड्रॉयड ऐप भी है वो गवर्नमेंट अथोराइज गवर्नमेंट की वेबसाइट बता रहा हूँ मैं, उनका कोई लल्लू पंजू नहीं रहेगा, जॉब बैंक के नाम से इसका खुद का कनाडा गवर्नमेंट का एक ऐप भी है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें वेबसाइट पर भी आप जाके इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको ओपन करोगे तो इसमें सब कुछ आएगा, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, गवर्नमेंट ड्यू कनाडा, देखिए लैंग्वेज इसमें आ रही है फ्रांसिस, जो भी उनकी लैंग्वेज होती है वो आप साथ में रखेंगे, इसको आप लॉगिन करोगे तो पूरा जॉब सर्च टूल्स आ जाएगा, उसमें आपकी जैसे कैटेगरी है, आप इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मेसन, स्ट्रक्चर को कारपेंटर, या फिर आप मैनेजर, आप सुपरवाइजर, आप कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री, या फिर आप कुछ भी आपकी कैटेगरी है वो टोटल कैटेगरी इसमें शो करेगा, जिस कैटेगरी के भी आपको उस कैटेगरी पे आप क्लिक करोगे तो बाकायदा दिखाएगी। देखिए इसे जैसे मैंने अभी ये देखा है, इसमें फूड काउंटर अटेंडेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन, इसमें देखिए सैलरी क्या दिखा रखा है, सैलरी 22.10 से 29.46 ओवरली, यानी एक घंटे की सैलरी इसमें बताई है, 22 से 29 डॉलर पर हाउस ये सैलरी इसमें मिल जाएगी। देखिए ऑटो बॉय टेक्नीशियन, फूड सर्विस सुपरवाइजर, इस तरह से आप जाओगे ना तो उसमें सब कुछ आपकी, जैसे आप प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, या फिर आप ऑफिस बॉय हो, आप मैनेजर हो, तो आपका इसमें शो कर देगा, उसी के हिसाब से आप इसमें सीवी अपलोड कर लीजिए। और भी वेबसाइट में सर्च करके लाता रहूँगा, 5-7 वेबसाइट और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ढूंढूँ, ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अगर आप जैसे
मान लीजिए ये नहीं कि भाई एक बार डाल दो, आप आज डाली है 10 दिन 15 दिन बाद दोबारा डाल दो, पैसा थोड़ी लग रहा है यार। कभी ना कभी तो अगले के माइंड में कोई ना कोई बात हो सकता है कि 100 पत्थर मारे तो एक पत्थर लग जाए निशाने पे, समझ रहे हो बात को। तो ये कहना चाहता हूँ ये गवर्नमेंट ऑथोराइज साइट है, फेक है। यहाँ से अगर कॉल भी आपके पास आ जाता है ना तो डायरेक्ट कंपनी का ओनर का कॉल आएगा, न कि फेक जो बीच में एजेंट बैठे उनका कॉल नहीं आएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखें। तो ये आपके लिए बेस्ट पार्ट हो सकता है अगर आपको कनाडा से रिलेटेड कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई एजेंट का चक्कर नहीं है, डायरेक्ट जॉब सर्चिंग आप इसमें हो सकता है, और भी वेबसाइट में लेके आऊंगा उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं मेरे